रामपुर गांव में किशन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो अपने आंगन में लगी लौकियों को उगाकर बाजार में जाकर बेचने का काम करता था। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। उस गांव में किशन के पड़ोस में एक रवि नाम का व्यक्ति रहता था, जो थोड़ा घमंडी था और वह किशन से बहुत ही जलता था। दूसरों की कामयाबी से वो बहुत ही जलता था। एक दिन किशन बाजार में लौकियां बेचने जाता है। किशन के दुकान पर कई सारे ग्राहक थे। अरे किशन भाई, मुझे 1 किलो लौकी दे दो। हाँ भैया, मुझे भी लौकी दे दो 2 किलो। किशन, तुम्हारी लौकी से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, खाकर मज़ा आ जाता है। पड़ोस में रवि अपने दुकान से यह सब देख रहा था। उसे किशन से बहुत ही जलन हो जाती है, क्योंकि उसके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। बाजार में मेरी इतनी बड़ी दुकान है, पर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता है। इस किशन की छोटी दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। किशन को तो सबक सिखाना ही होगा। उसी रात रवि किशन के आंगन में लगे लौकी के पेड़ के जड़ में दवा डाल देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह राधा देखती है उसके आंगन में लगे लौकी के पेड़ और उन पर लगी लौकी खराब हो जाती है। यह देखकर राधा हैरान हो जाती है। किशन किशन, जल्दी बाहर आओ। तभी किशन बाहर आता है। क्या हुआ राधा, क्यों चिल्ला रही हो? यह देखिए क्या हो गया है, हम बर्बाद हो गए। अब क्या होगा, हमारी लौकी खराब हो गई है। तभी रवि देखता है। हे भगवान, यह क्या हो गया, ये कैसे हो गया? हमारा लौकी का पेड़ और उस पर लगी सारी लौकियाँ कैसे खराब हो गई? किशन और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। यह सब दूर खड़ा वो रवि देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। अब जाकर मुझे सुकून मिला। किशन और उसकी पत्नी को रोता देखकर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह रवि से कहती है, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझ गरीब पर रहम करो बेटा। मुझे भूख लगी है बेटा, मुझे खाने को दे दो। ए बुढ़िया, तू गरीब है तो मैं क्या करूँ, मैंने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? जाओ यहाँ से। न जाने कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने के लिए। बूढ़ी औरत निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो किशन और राधा के पास जाती है। बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है बेटा। हाँ बूढ़ी माँ, आइए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। राधा बूढ़ी माँ को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम दोनों मुझे बहुत ही परेशान लग रहे हो, तुम दोनों ने अपनी परेशानी भुलाकर मुझ पर रहम किया, मुझे खाना खिलाया, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ बेटा। यह पानी तुम्हारे आंगन में लगे पेड़ के जड़ में डाल देना, इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। किशन पानी ले जाकर अपने आंगन में लगे लौकी के पेड़ के जड़ में डाल देता है। अगली सुबह राधा और किशन देखते हैं कि उनकी लौकी का पेड़ बहुत ही हरा भरा होता है और उसमें एक लौकी के पेड़ पर एक सोने की लौकी लगी होती है। यह देखकर राधा और किशन बहुत खुश हो जाते हैं।
फिर उन्हें रोज सवेरे एक सोने की लौकी मिल जाती है। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। रवि यह सब देखकर सोचता ही रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो इनके लौकी के पेड़ खराब कर दिए थे, फिर यह लोग अमीर कैसे हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।